चलो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सॉसेज पसंद है। ये बहुत अच्छा है कि मुझे यह मिला, और वो भी एक बड़ा सॉसेज, स्वादिष्ट। और अब मैं पता लगाऊंगी कि मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी। अरे नहीं, मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, एक गंदा कॉकरोच नहीं। शायद मैं फिर से घुमा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं बकवास खाऊं? कितनी बदबू आ रही है, और ये रेंगते भी हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। यदि तुम ये नहीं करना चाहती हो तो बुरा होगा, पनिशमेंट पहिए का समय है। नहीं, मैं कॉकरोच खा लूंगी। हालांकि वे मेरे स्वादिष्ट पिज्जा में बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हमला किया। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा सॉसेज खाने का समय हो गया है। तुमने एकदम सही कहा, मुझे लगता है कि मैं पिज्जा से एक हॉट डॉग बनाऊंगी, स्वादिष्ट सॉसेज को भर के। जरा देखो कि ये कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मैंने लंबे समय से कुछ इससे बेहतर नहीं चखा है। सॉसेज पिज्जा के स्वाद को और भी कमाल का बना रहा है। ये साधारण हॉट डॉग की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जूली, तुम मुझे अपनी स्वादिष्ट पिज्जा को खाने के लिए मजबूर कर रही हो, और बेशक मैं इसे खुशी खुशी करूंगी। तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरे सॉसेज और मेरे पिज्जा को छूने दिया? चलो मुझे हॉट डॉग दे दो। शर्म नहीं आती? अपने कॉकरोच खाओ। मुझे नहीं खाना, बहुत सारे हैं। वे स्पष्ट रूप से मेरा पिज्जा खाना चाहते हैं। अरे हाँ, सच में बहुत सारे हैं। चलो सब बाहर निकलो, मुझे कम से कम पिज्जा का एक बाइट खाने दो। ओह, उन्होंने मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा है। खैर, अब इसे खाना आसान है। उसने एक कॉकरोच खा लिया, कितना खराब। लगता है मेरे मुंह में कोई आ गया है। हटो। मीला के मुंह में अब कॉकरोच का साम्राज्य बसेगा। क्या मैं इस बार पहले पहिया घुमा सकती हूँ? okay. पता नहीं इस दौर में मेरे साथ क्या होगा। अरे नहीं, कीड़े नहीं। मैं च्युइंगम से खुश होऊंगी, कीड़े से नहीं। अरे मुझे हबा बबा पसंद है, कितना अच्छा। अब पहिया घुमाने की मेरी बारी है। क्या यह सही नहीं है? उसे च्युइंगम क्यों मिला और मुझे चिकन के पैर? ये कितने डरावने और गंदे हैं। हाँ, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है, और बेहतर होगा कि तुम इसे जल्दी से खा लो। हाँ सच में, मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? पिज्जा को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इन च्युइंगम को सजाने का समय आ गया है। वे रंगीन और लंबे होते हैं, इसलिए पिज्जा पक्का इसके साथ नए रंगों से जगमगाएगा। मुझे यकीन है अच्छा होगा। कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कमाल का निकला। हाँ, यह अच्छा लग रहा है, चिकन पैरों की तरह गंद नहीं। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मिला इस शरारत से चौंक जाएगी जो मैं उस पर करने वाली हूँ। यह क्या बकवास है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। बेहतर होगा तुम इनको मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि पिज्जा पर लगाओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे सजा क्यों दी जा रही है? मैं पिज्जा के स्वाद का मजा ले सकती थी, लेकिन मुझे चिकन पैरों को खाना होगा। कैसा है जूली, क्या तुम्हें ये पसंद है? स्वादिष्ट पिज्जा है ना? क्या तुम अभी भी मजाक कर रही हो? अपना पिज्जा खाओ। okay. हाँ बिल्कुल, मैं स्वादिष्ट पिज्जा क्यों नहीं खाऊंगी। यह कितना बढ़िया है, मुझे नहीं पता था कि च्युइंगम और पिज्जा एक साथ मिलकर कुछ इतना अच्छा बनाएंगे। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुकना नहीं चाहती। शायद सबसे अच्छा पिज्जा जो मैंने कभी देखा हो। मुझे लगता है यह एक बड़ा गम बबल का समय है। अरे वाह, वो सच में बड़ा है। जितना बड़ा बबल उतना बड़ा धमाका। क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख सकती। चिकन पैरों से छुटकारा पाने का यह मेरा मौका है। उनके बिना पिज्जा खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जूली, तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं देखा? यह नहीं चलेगा, मैंने सब देखा है। और अपने धोखे के लिए तुम्हें पनिशमेंट बिल का सामना करना पड़ेगा। अरे नहीं, आशा है कि मुझे कुछ अजीब ना मिले।
अरे बारिश, यह अच्छा है। क्या होगा अगर चिकन पैरों की बारिश हो? आ, मदद करो, मैं इन गंदे पैरों से ढक गई हूँ। जूनी, तुम बहुत मस्त लग रही हो। देखते हैं इस बार कौन सी ट्रीट मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हाँ, यह हुई ना किस्मत। यह गमी आंखों का समय है, उन्हें ना केवल खा सकते हैं बल्कि उनके साथ खेल भी सकते हैं। देखो मिला, मेरी उंगलियों पर आंखें हैं। ठीक है, हंसी मजाक बहुत हो गया, यह आंखों को चखने का समय है। कैसा है, स्वादिष्ट? बहुत, मुझे यकीन है कि पिज्जा लाजवाब होगा। मैं भी एक स्वादिष्ट ट्रीट चाहती थी। ऑक्टोपस नहीं, इतने छोटे पतले और गंदे होते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पिज्जा कितना भयानक होगा। हाँ, ये बहुत घिनौना लग रहा है। छी, कितना गंदा लग रहा है। छी, कल्पना कर लो कि ये बहुत खराब होगा। मुझे लगता है मुझे अपना पिज्जा सजाना चाहिए। मुझे यकीन है कि गमी आंखों वाला पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। ये सुंदर और अच्छा भी लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है, मैं नहीं रुक सकती। मैं भी गमी को ना नहीं कहूंगी। कुछ भी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से ईर्ष्या करती कि मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा खाया है। अब मेरे मुंह से आके निकल रही है। जूली, तुम हमेशा की तरह शरारते कर रही हो। मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। मिला, तुम क्यों नहीं खाती? मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे याद नहीं दिलाओगी। मैं सच में इन ऑक्टोपस को खाना नहीं चाहती। आशा है कि वे अंदर से मुझसे चिपके नहीं रहेंगे। बेचारी मिला, मुझे तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। बेशक वे ऑक्टोपस हैं, उनके पास सक्शन कप है और वे जीभ से चिपके रहते हैं। जूली, क्या तुम्हें लगता है यह फनी है? नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यह लो। ओह, यह क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम समझ गई होगी कि ऑक्टोपस अच्छा नहीं होता है। तुमने यह क्यों किया? रुको, अब मैं तुम्हारे मुंह में पिज्जा भर दूंगी पूरा। तो तुम निश्चित रूप से इन सभी ऑक्टोपस से बच नहीं सकती। यह लो। छी, कितना गंदा है। जूली, तुम बहुत खराब हो। अरे नहीं, मैंने बस सही किया है। उसके मजे लो। चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं कि कौन पहले जाएगा। मैं जीत गई, तो मैं पहले पहिया घुमाऊंगी। अरे हाँ, मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। क्या तुम कॉकरोच भी पसंद करती हो? तुम्हें मिल जाएंगे। जूली, तुम्हें पता है कि चीटिंग करना अच्छा नहीं है। पहिये को ठीक करो जैसे वह था, या फिर तुम्हें पनिशमेंट का पहिया घुमाना होगा। अच्छा ठीक है। यह रहे मेरे फ्राइज, इतने सारे हैं और इनसे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जूली, अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल, आशा है कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मिलेगा, बस स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट होना। नहीं, कुछ भी लेकिन लहसुन नहीं, ये बहुत खराब है। अजीब है, किसी वजह से वो यहाँ नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ध्यान से देखो। ओ हाँ, गंध कहीं से आ रही है। मुझे ये बकवास क्यों मिली है? बहुत खराब। खैर, सबसे पहले लहसुन को छीलना होगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मशीन भी है। सबसे पहले यहाँ लहसुन की सारी कलियाँ डालनी होंगी और कुछ ही सेकंड में लहसुन बदल जाता है छिले हुए लहसुन में। हो गया, और इससे पिज्जा पर एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं, दिल की तरह। बढ़िया आइडिया है। और फ्राइज की मदद से मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगी, खुशी, यानी मैं एक प्यारी सी स्माइली बनाऊंगी। एक स्माइली दिल से बहुत बेहतर है। हाँ कुछ भी, तुमने बस मुझे कॉपी किया है। मेरे लहसुन के दिल को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ हाँ, अब तुम्हें इस दिल को खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी? दिल कितना खूबसूरत है। तुम बहाने बनाते रहो, पनिशमेंट पहिए का समय है। अरे यार, मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ।
मुझे न केवल लहसुन के साथ पिज्जा खाना होगा बल्कि एक ब्लेंडर में इसका कॉकटेल भी बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ब्लेंडर है इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसा निकलेगा। मुझे लगता है कुछ बहुत ही गंदा होने वाला है। अब हम पता लगाएंगे, चलो। Come on! अगर मैं उल्टी करती हूँ तो मिला यह तुम्हारी गलती होगी और यह ड्रिंक निश्चित रूप से मुझे बीमार कर देगा। हाँ हाँ, यह सच में गंदा लग रहा है। यह मेरे मुंह में कचरे के डब्बे की तरह है। इस तरह के स्वाद के साथ मैं निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहूंगी। छी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी इसका पता चलना चाहिए। उफ, मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, लहसुन ने मिला को भी मार डाला। क्या है यह सब? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। वाह, फ्रेंच फ्राइज भी मेरे चेहरे पर आ गए। वाह, अब मैं कम से कम उनसे छुटकारा तो पा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है, केक के साथ। चलो मैं शुरू करती हूँ। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है कि किस तरह का स्वादिष्ट केक मेरे केक को पूरा करेगा। वाह, ये पहिया अंतहीन रूप से घूम सकता है, लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। क्या बसा भी? लेकिन मैंने इतना सपना देखा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। मैया, पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे आशा है कि मैं कम से कम भाग्यशाली हूँ। वाह, लेकिन अगर एरो बीच में है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत थी, मुझे दोनों मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं केक को सजाने और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होऊंगी। मुझे न्यूटेला पसंद है, लेकिन इसे केक पर समान रूप से कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल। मदद के लिए मुझे निर्माण सहायक टूल्स की जरूरत होगी। स्पैचुला को मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काश मैं भी इस केक को आजमा पाती। और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अब मुझे एक रोलर के साथ केक पर चॉकलेट को अच्छी तरह से स्मेयर करने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट पर जा सकती हूँ। यह चॉकलेट लेती हूँ। हमें रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है, फिर हम काम पर लगेंगे। वाह, डायमंडसन के साथ गलती ना करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले मेजरिंग टेप के साथ सब कुछ मापना महत्वपूर्ण है। सब आकार में पूरी तरह मेल खाता है। अब आखिरकार मैं केक पर चॉकलेट बार सजा सकती हूँ। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी वसाबी की पूरी ट्यूब है। हाँ, उनकी महक भी तीखी है, लेकिन मैं साबित करूँगी कि मैं बहादुर हूँ। मैं किसी तरह की वसाबी से नहीं डरती। अब मुझे इस वसाबी को केक पर फैलाना है। ऐसा करने के लिए मैं एक स्पैचुला का उपयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मियाँ बुरा नहीं मानेगी। हाँ, यहाँ कुछ न्यूटेला भी बचा है। तैयार। बेशक स्पैचुला को धोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे वापस मियाँ के पास देना बेहतर है, ताकि वो अपने अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट केक में कुछ तीखापन ला सके। अजीब बात है, चॉकलेट हरी क्यों है? वसाबी की तरह है। केट, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आँख में लग जाती तो? बस बातचीत बंद करो, यह खाने का समय है। ऐसा लगता है कि केट ने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। मुझे शुभकामनाएं दो। तो क्या इसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए केक चखने का समय हो गया है। कुछ मुझे बताता है कि सिर्फ जादू ही होगा। मैं सही थी, मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। मैं बस नहीं रुक सकती, ये एक असली चॉकलेट बम है। ओह, चॉकलेट बम। मेरे पास केक नहीं है, लेकिन असली आग है। चलो खाती हूँ। आह, मैं सही थी, मेरा मुंह जलने वाला है। मदद करो, बचाओ।
और चाहिए। ओह, किसी और का केक लेने के लिए सजा का पहिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह और खराब नहीं होगा? ओह नहीं, मुझे अंडे से नफरत है। तुम्हारे साथ सही हुआ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी और से चोरी करने से क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक में अंडे डालने की जरूरत है। अगर तुम्हारे सर पर भी अंडा हो तो चलेगा। आह कितना खराब, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। घिनौना। यह स्वादिष्ट होगा। मिया तुम क्यों सो रही हो, स्पिन करो। हाँ जरूर। हुर्रे, मुझे कैंडीज मिले हैं। Awesome! मुझे क्या मिलेगा? कुत्ते का खाना। Oh, no! लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें इसे खाना होगा। स्वादिष्ट कैंडीज की एक पूरी जार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। Hey! Awesome! किसी ने कभी कुत्ते के खाना को नहीं खाया होगा। शायद ये वास्तव में स्वादिष्ट है। लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। यहाँ एक विशेष स्ट्रिप है। इस खाने की गंध से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और मुझे वास्तव में कैंडीज पसंद है। वे बहुत खट्टे हैं, पर स्वादिष्ट। अब मैं इसे केक पर डाल सकती हूँ। यह दोनों साथ में बहुत अच्छे से जाते हैं। बहुत बढ़िया, यह खूबसूरती से निकला। मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट भी है। अच्छा चलो खाकर देखते हैं। Awesome! कितना सुंदर टुकड़ा है। खट्टापन महसूस हो रहा है। मुझे पसंद आया। मुझे देखना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम अपना खाना खाओ। अगर मैं पैक से बाहर निकालती हूँ तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मुझे लगता है कि एक मुट्ठी काफी होगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ। जल्दी करो। तुम इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? लो डाल दिया, अब तुम खुश हो। अब मेरे पास केक नहीं बल्कि पूरे खाने का कटोरा है। आशा करती हूँ कि मैं इसे खाने के बाद उल्टी ना कर दूँ। यह केक सच में बहुत खराब है। ओह, कुत्ते इस चीज को कैसे सहन करते हैं। वाह, हेलो बेबी, तुम बस समय पर हो। देखो मेरे पास कितना खाना है। क्या हो रहा है, ये कुत्ता कहाँ से आया? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे एलर्जी है। यहाँ से चले जाओ। तुम सच में बहुत गुस्से में हो। अगर कुत्ता इसे खा सकता है तो मैं भी खा सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? मेरी कैंडीज भी खट्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। यह अफसोस की बात है, मेरा फोन दूर है, नहीं तो मैं एक फोटो ले सकती थी। ओह हाँ, जब तक तुम अपने खट्टेपन के कारण जमी हुई हो तब तक मैं उसी का खाना दूंगी जिसके लिए वो बना है। बेबी बोन एपेटिट। क्या कुत्ता यहाँ फिर से आ गया? केट, तुमने फिर से नियम तोड़े हैं। और जो तुम्हें मिला वो तुमने नहीं खाया। पनिशमेंट के पहिया का समय है। शायद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लगता है करना होगा। ओ नहीं, यह मेकअप को बर्बाद कर देगा। लेकिन यह मजेदार होगा। अरे नहीं, मुझे तुरंत अपना चेहरा धोना होगा। और मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी के पास इतनी सारी ट्रीट्स क्यों है और मेरे पास केवल एक ट्रीट है। आशा है कि यह कम से कम स्वादिष्ट होगा। अरे देख कर अपना कचरा फेंको, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट बार को कई भागों में कैसे काटना है। एक सौ मेरी मदद करेगी। तुम यह लो। मिरांडा रुक जाओ, बस हमें मत छुओ। मेरा मतलब यह नहीं था, यह सौ चॉकलेट के लिए था। तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, पर हम फिर भी सह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ हुआ? ये ट्रिक्स है, तो इसमें हर टुकड़ा कीमती है। क्या कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत दिनों से ट्रिक्स नहीं खाया है। मैं तो भूल ही गई थी कि कितना अच्छा होता है। अब
चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा। और अब चॉकलेट खा सकते हैं। वाह, इतनी भूख क्यों? क्या ट्विक्स वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ यार, क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छा लगता है? दूध के साथ। अरे, हर कोई सब कुछ मुझ पर क्यों फेंक रहा है? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि कितना स्वादिष्ट है चॉकलेट दूध, चॉकलेट बार, इतना सारा चॉकलेट। बहुत मजेदार। क्या देख रहे हो जॉन? तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट खाना बोरिंग है, उनमें से एक विशाल दावत बनाना बहुत ही बढ़िया होगा, और इन्हें एक दूसरे से चिपकाने में निर्जला काम आएगा। अरे वाह जॉन, तुम तो एक असली बिल्डर निकले। हर नॉर्मल इंसान को टावर बनाना आना चाहिए, खासकर जब बात चॉकलेट टावर्स की हो। और हमें जो कुछ तुम बनाते हो उसे खाना आना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? जॉन, हमें माफ कर दो, चॉकलेट बस बहुत स्वादिष्ट था। सब ठीक है, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। अरे वाह, कितने चिप्स हैं? बहुत। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा चिप्स का टुकड़ा मिला है। मैं इसे केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकती हूँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया होगा और बहुत बहुत छोटा भी। जॉन, तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। ऐसे चिप्स कौन बंद करता है ताकि उन्हें कोई खोल भी ना सके? मुझे अब यह मदद करेगी। अब यह हुई ना बात, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे खाते हैं। अबे, स्वाद चखता हूँ। चिप्स ने तो इसे सचमुच ही पागल कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स खा सकती हूँ। ओह, ध्यान से, मुझे चोट लगी। नहीं, मुझे पहले से ही सिर में दर्द है। मैं कुछ नहीं कर सकती, चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। और यह हेलमेट मुझे बचाएगी। मुझे अब बिल्कुल चोट नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। चिप्स के इस महल को ट्रक से गिराना काफी रहेगा। इतना स्वादिष्ट था, पर अब मेरा महल गया। एमा कैंडी के मामले में किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद मिस्टर ऑबियस, तुम्हारे बिना मैं इसे समझ नहीं पाती। लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। अगर नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो छोटी से छोटी कैंडी भी हमारी आंखों के सामने आ सकती है। उदाहरण के लिए एक आईफोन। ओ यार, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, पर यह है। और इसका स्वाद भी लाजवाब है। जॉन, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं सारी कैंडीज एक साथ खाऊंगा। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं, लेकिन तुम जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन इस टेबल पर और भी कैंडीज हैं। दूर रहो, ये तुम्हारे स्किटल्स नहीं है, ये मेरे और सिर्फ मेरे हैं। हालांकि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि किस रंग से शुरुआत करूँ। इस बात को लॉटरी की मदद से हल करनी होगी। Wow!
कौन सी कैंडी सबसे पहले खाओ? हरा। और अब मैं सारे खा लूंगी। क्या खूब लॉटरी है, शायद वह मुझे कुछ दे सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल कैंडी के अंदर और भी ज्यादा कैंडी। यम्मी। व्हाट? ऑसम। जादुई लॉटरी, मुझे भी चाहिए। जॉन मेरे दोस्त, मुझे भी कैंडी दो। मेरे पास कुछ निकालने का समय नहीं था। हाँ बेशक, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। और फिर से मेरे अलावा हर कोई भाग्यशाली है, मुझे केवल एक गमी आँख मिली है। जॉन, तुम किस पर हंस रहे हो? एक ही आँख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि एमा ने मुझे एक प्रैंक के लिए अच्छा मौका दिया है। फूटी आँख किसी को भी खुश नहीं छोड़ेगी। मेरी कोई आँख नहीं है। कितना बुरा, इसे यहाँ से हटाओ। अरे नहीं। मदद करो, तुम्हारी वजह से एमा सबको तकलीफ हो रही है। क्या दिलचस्प फिल्म है और स्वादिष्ट नेस्क्विक। यह आँख कैसे आया? थैंक यू। इस तरह के डरावने मजाक के बाद एक स्वादिष्ट गमी आंखें वही है जो मुझे चाहिए। हाँ, मैं इस स्वादिष्ट ट्रीट को मना नहीं करूंगी। देखो, यह है ना मजेदार। जॉन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है, तुम्हारे विपरीत। लेकिन तुम सही हो, आंखें बहुत स्वादिष्ट है। शायद तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो? No! फिर मुझे भी, हम दोस्त हैं, प्लीज। लड़कियों, मत लड़ो। वैसे भी मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर आंखें निकल रही है। आंखों वाला जॉन।